अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाज़िर हूँ आज के इम्तहान के सवाल के साथ। आप देख रहे हैं कि आज ये सेट है, सेट जी। ये 50 नंबर का इम्तहान हुआ है इंटर का, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका जवाब। इससे पहले मैं बता दूँ कि ये इंटर 50 नंबर की आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि इस साल से 50 नंबर की उर्दू बंद हो चुकी है। अब इंटर में लेना होगा आपको 100 नंबर, तो ये आखिरी वीडियो है। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, दर्ज ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मोनस है? तो मोनस है रूह, एक नंबर में रूह, क्योंकि आफ्ताब इकबाल इत्तला, मेरी इत्तला, रूह, ये इत्तला भी तो ये है, ये भी तो मोनस ही है। बहरहाल रूह को टिक लगा दिया मैंने, रूह मोनस है। उसके बाद हाल की जमा क्या है? तो हाल की जमा है अहवाल। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ बयान की जाए उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम्द कहते हैं। उसके बाद सर सैयद ने नूरानी चेहरे वाली यकीन की इकलौती बेटी किसको कहा है? तो ये उम्मीद को कहा है। इल्म की कुंजी क्या है? तो यहाँ पर मैंने टिक लगाया ज़बान, कुछ लोग कहते हैं दिमाग भी है, तो आप इसको एक बार देख लें, इल्म की कुंजी क्या है, ये क्या है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिख दूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी में मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़बान को मैंने टिक लगाया, आप इसे देख लेंगे। बादशाह को गोरिस्तान में क्या मिला? गोरिस्तान कहते हैं कब्रिस्तान को, गोर माने कब्र, तो कब्रिस्तान में बादशाह को दरवेशों की एक जमात मिली। 40 साल की उम्र में बादशाह को क्या महसूस हुआ? तो बादशाह को पीरी का एहसास हुआ, यानी बुढ़ापे का एहसास हुआ। हाली का पूरा नाम क्या था? तो हाली का पूरा नाम था ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। कौन सी तसनीफ़ मीर अमन की है? तो मीर अमन की तसनीफ़ है बाग़ो बहार। कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ के मुसन्निफ़ कौन है? तो कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ के मुसन्निफ़ हैं सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ कौन सी है? इसमें चीनो अरब हमारा, अरब व हिंद के ताल्लुकात, हिंदो पाक का रिश्ता, अरब हिंद की दास्तान, तो ये अरब व हिंद के ताल्लुकात, ये सैयद सुलेमान नदवी की। शाद किस दबिस्तान के शायर हैं? अजीमाबाद, लखनऊ, दिल्ली या दक्कन? तो ठीक देख रहे हैं, शाद अजीमाबादी, तो शाद अजीमाबाद के शायर हैं। बागो बहार में कितने दरवेशों का किस्सा बयान किया गया? आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, नाम ही है किस्से चिहार दरवेश, चिहार माने चार होता है, तो यहाँ चार दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। उसके बाद बादशाह आज़ाद वक्त की ज़ात में किस तरह की अदालत पाई जाती थी? अदालत जहांगीर की तरह, नौशेरवा की तरह, अकबर की तरह या शेरशाह की तरह? तो वो नौशेरवा की तरह फैसले दिया करता था, फैसले किया करता था, तो ये जवाब होगा बी, यानी नौशेरवा की तरह। 15 में है सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? गुजरा हुआ ज़माना, उम्मीद की खुशी, नेकी, बरगद का दरख्त, तो आपके निसाब में शामिल है उम्मीद की खुशी। इंतखाबे सुखन का सिलसिला किस शायर ने शुरू किया? इससे पहले भी 50 नंबर पे पूछा गया था ये सवाल, और आपने बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था मौलाना शौकत अली, जबकि मैंने इसका प्रूफ दिया था कि ये हसरत मोहानी ने शुरू किया था। आप इसे देख लें, इंतखाबे सुखन का सिलसिला हसरत मोहानी ने शुरू किया था। उसके बाद दर्ज ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? शमा, शमा जल रही है, बोतल, ये नई बोतल है, आगोश, माँ की आगोश, तो ये गुलजार, गुलजार मुज़क्कर है। चार मिसरों के बंद को क्या कहते हैं? तो जिसमें चार मिसरे हों उसको रुबाई कहते हैं। देखिए गज़ल तो एक सिनफी है, मुसद्दस 6 मिसरों के नज़्म को कहते हैं, और रदीफ़ जानते ही हैं, काफ़िया रदीफ़, तो इसका जवाब है ए, यानी रुबाई। अल्लाह वालों की जमात किसने पैदा की? तौरात, कुरान, शाहनामा इस्लाम या शाहनामा फिरदौसी? तो जवाब है अल्लाह वालों की जमात कुरान ने पैदा की। अब यहाँ देखें, आज़ाद वक्त के वज़ीर का नाम क्या था? खैरतमंद, अक्लमंद, होशमंद, हुनरमंद। ये जो जवाब दिया है जिस बच्चे ने, वो बहुत गलत जवाब दिया है, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो आज़ाद वक्त के वज़ीर का नाम था खैरतमंद। असबाब बगावत हिंद किसकी किताब है? तो देखिए यहाँ भी जवाब दिया हुआ है शिबली नुमानी, जबकि इसका जवाब है असबाब बगावत हिंद, ये सर सैयद अहमद खां का मजमून है, ये सर सैयद अहमद खां की किताब है। दिल्ली गए तो आगरे से दूर हो गए, नौशा मियाँ के नाम से मशहूर हो गए, ये शेर किसका है? तो ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है, जो इन्होंने अपने बारे में कहा, लेकिन ये भी किताब से थोड़ा अलग सवाल है, इसलिए 22 नंबर का ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं क्लियर कर दूंगा
वैसे मेरे मुताबिक इसका जवाब मिर्ज़ा गालिब ही होना चाहिए, क्योंकि नौशा मियाँ मिर्ज़ा गालिब को ही कहते हैं। उर्दू का पहला अवामी शायर कौन सा किसे कहा जाता है? तो ये तो कन्फर्म है, कलयुग नज़्म कलयुग के लिखने वाले हैं नज़ीर अकबर आबादी, और उन्हीं को उर्दू का पहला अवामी शायर कहा जाता है। और यहाँ आप देखें किस शायर को मिर्ज़ा नौशा कहा जाता है, तो मैंने पहले ही कह दिया कि मिर्ज़ा नौशा मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को कहा जाता है, तो इसका जवाब है बी यानी गालिब। दर्द का मुकम्मल अदबी नाम क्या था? दर्द सूफ़ी शायर हैं, अर्जो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके, जो आपने गज़ल पढ़ी थी इनकी, तो इनका पूरा नाम है ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा हसन नज़ामी कब पैदा हुए? 1872, 1880, 1879, 1873, जबकि इनकी पैदाइश 1878 में हुई थी, लेकिन आपकी किताब में जो मौजूद है तो 1879 है, तो इसका जवाब है सी यानी 1879। मीर तकी मीर किस सिनफ शायरी के बादशाह कहलाते हैं? आपने गज़ल पढ़ी थी, हस्ती अपनी हवाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, तो ये गज़ल है, और मीर तकी मीर गज़ल के बादशाह कहलाते हैं यानी बादशाह सुखन। अब यहाँ देखें आप, आज़ाद बख्त किस मुल्क का बादशाह था? तो आज़ाद बख्त चीन का, अरब का, रोम का या ईरान का, तो इसका जवाब है वो रोम का बादशाह था, और रोम की राजधानी यानी दारुसल्तनत था कुस्तुनतुनिया, तो जवाब है सी। बिनते बहादुर शाह किसकी तख्लीक है? तो बिनते बहादुर शाह ख्वाजा हसन नज़ामी की तख्लीक है, जो आपने किताब में देखा भी होगा। उसके बाद इनमें कौन सूफ़ी शायर की हैसियत से मशहूर हैं? तो मैंने पहले ही कह दिया था ख्वाजा मीर दर्द सूफ़ी शायर की हैसियत से मशहूर हैं, जवाब है इसका सी। तो ये 30 सवाल हुए और इसका जवाब मैंने आपको बताया। और अब यहाँ देखें मंदरजा ज़ैल सवाल में किसी पांच का जवाब एक या दो जुमले में दें, कितना आसान है ये। आज़ाद वक्त का किस्सा किस दास्तान से माखूज़ है? तो आज़ाद वक्त का किस्सा किस्से चहार दरवेश से माखूज़ है, और किस्से चहार दरवेश लिखने वाले हैं अमीर खुसरू, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया था मीर अमन दहलवी ने, और उसका नाम रखा था बागो बहार। बागो बहार में ही आज़ाद वक्त का किस्सा मौजूद है, तो क्या किस्से चहार दरवेश से माखूज़ है? ये जवाब सही होगा? तो नहीं, ये जवाब सही नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया था, बागो बहार से माखूज़ है, बागो बहार से माखूज़ है। देखिए जल्दी में वीडियो बनाने में यही सब होता है। आज़ाद वक्त का किस्सा बागो। उसके बाद है शायरी में हाली किसके शागिर्द थे? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली शायरी में किसके शागिर्द थे? तो हाली मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के शागिर्द थे, तो आपको पता ही होगा, और इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सर सैयद अहमद खां के साथ गुजारी थी, तो शायरी में गालिब के शागिर्द थे। ज़बान गोया के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ज़बान गोया के मुसन्निफ़ ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली हैं। ज़बान गोया जो आपने किताब में पढ़ी उसके लिखने वाले हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। उम्मीद की खुशी किस तरह का मज़मून है? तो उम्मीद की खुशी में क्या कहा गया है? एक हौसला दिया गया है, एक बात कही गई है कि इंसान उम्मीद के सहारे ज़िंदा रहता है, तो ये एक इस्लाही मज़मून है, इससे इंसान इस्लाह हासिल कर सकता है कि हमको अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हम उम्मीद के साथ ज़िंदा रहें और कभी नाउम्मीद ना हो। हयात जावेद किसकी किताब है? तो हयात जावेद ये हाल ही की किताब है, और ये स्वानह है, ये स्वानह किस पर लिखी गई थी? सर सैयद अहमद खां पे। उर्दू में स्वानह निगारी की बुनियाद भी हाल ही नहीं डाली, जिसकी मिसाल हयात जावेद है। उसके बाद बागो बहार के अलावा मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? तो बागो बहार के अलावा मीर अमन दहलवी ने दूसरी किताब भी लिखी जिसका नाम था गंजे खूबी, लेकिन गंजे खूबी को वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई जो बागो बहार को हासिल हुई। अब यहाँ देखें यकीन की इकलौती बेटी किसको कहा गया? तो आप जानते ही हैं यकीन की इकलौती बेटी उम्मीद को कहा गया है, और तहजीबुल अखलाक रिसाला कहाँ से निकलता है? तो तहजीबुल अखलाक रिसाला अलीगढ़ से निकलता है, क्योंकि इसके इसकी शुरुआत की थी सर सैयद अहमद खान ने। तो अब यहाँ देखें शेर, दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, ये गालिब का शेर है जो आपने किताब में पढ़ी होगी ये गज़ल। और दूसरा है नाजुकी उनके उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो ये मीर तकी मीर की गज़ल का मिसरा है। तो ये दोनों बहुत आसान था, गालिब और मीर तकी मीर। उम्मीद की खुशी,
उम्मीद की खुशी या किस्सा आजाद वक्त का खुलासा लिखिए। तो उम्मीद की खुशी और किस्सा आजाद वक्त का खुलासा मैंने बता दिया था। कुछ कमेंट्स रात में भी आए थे, मैंने कहा था ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये सारे सवाल आपके हल हो ही गए होंगे। उसके बाद यहाँ है, किसी पाँच को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। शायर गालिब बड़े शायर हैं, आवाज़ उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इबादत हमें इबादत करनी चाहिए। कलम मेरा कलम नया है, किताब ये नई किताब है। इम्तहान आज मैं आज हमारा इम्तहान है, दाखिला उसने स्कूल में दाखिला लिया। जन्नत जन्नत मतलब अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे, अच्छे लोग मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। शमा शमा जल रही है, दही तो दही खट्टा है। या फिर इतने का जुमला नहीं बना सकते हैं तो अपने प्रिंसिपल साहब को एक दरख्वास्त लिखी जिसमें फीस माफ़ करने का मुतालबा हो। और ये वीडियो पोस्ट की जा चुकी है। तो ये इंटर 50 नंबर की आखिरी वीडियो रही। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे।